लो साहब आज की ताजा खबर लेके आई क्यों प्रदेश की आखिर सरकार कह रही नगरी प्रशासन वाला मंत्री जी कह रहे मांगकार लोग को काम गुणवत्ता वालों काम हुए कई खोट नहीं हवा चले मुहूर्त उड़ी की उपमा कौन कई करी सके बेड़ा तुम दो तीन दिन पुराना हो मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को यो बयान सुनो फिर से सुनो यो भी सुनो कि मांगकार लोग का काम का गुणवत्ता वाला मैंने 100 टन खराब 24 कैरेट को माल बताई रहा इसका बाद आज हुई घटना के बारे में तुम्हारे बताऊ हमारी सरकार के समय पूरी पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता के साथ गुणवत्ता के साथ गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दातार का दरबार में जड़ी मन हवा चली सब कृषि उनके मुहूर्त तोड़ी सरकार कह रही की आंधी तूफान में की को बस चढ़े बात थोड़ी घमंड में भी आए गुरुवार तो आंधी तूफान नहीं था इका बाद भी गुरुवार दफोरी में नीचे गिरे हुए झालर वाला जमीन पर पड़े लट्टू देख लो दफोरी में 7 मीडिया वाला भाई उन मांगकाल लोक में कवरेज करवाने पहुंचा था यहाँ लोक का गेट का नीचे खड़े था न ऊपर से कोई 5 किलो लाल भाटा को यो लट्टू धरती पर आठ मिलो सजना हुई गयो एक मीडिया वाला भाई तो बाल बाल बची गयो मांगकाल की मेहर थी तो शनिवार एक 18 जून का 13वीं पड़ी जाती ये ऐसी घटनाओं हुई रही तो अब तो लोग भी केवल लगी गया कभी थवार कोई से दुश्मनी निकालनी हो तो भी क्या मांगकाल लोग का गेट का नीचे खड़ी कर दो फाइल भी निपटी जाएगा सरकार भी कह देगा हम कह करा आंधी तूफान में किको बस आज जैसे ही जब ये दल यहाँ पर निरीक्षण करने आया मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा आधा सेकंड पहले वो लोग इसके नीचे खड़े थे और वो जैसे ही हटे और ये पत्थर नीचे गिरा मतलब इस पत्थर की क्वालिटी देखो आप इसके गम देखिए आप अब ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और ये सब पत्थर ऊपर चिपके हुए हैं क्या मालूम कौन सा पत्थर किस के ऊपर गिर जाए और जाना इसका कम से कम 3 किलो वजन है अभी मैंने देखा हम लोग आए तो ये पत्थर ऊपर से गिरा है और हमारे पत्रकार भाई बचते बाल बाल बच्चे हैं तो ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना हमें आते ही महाकाल ने उसका उदाहरण दे दिया कि ये देखो एक और है इसकी भी है ना आवाज़ उठाओ।